अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ़ज़ादा, मैं हूँ मुशायरे फ़ारूक़ी। नाज़रीन, घर जब तमीर किया जाता है उसमें बहुत से मामलात हम देखते भी हैं। जब भी कोई प्लॉट लेने जाएं या बाकी चीज़ें देखने को हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या साथ कोई कब्रिस्तान तो नहीं है या कोई ऐसी जगह पे तो नहीं ये घर बना हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आज हम जिस जगह इन्वेस्टिगेट करने आए हैं नाज़रीन, इसके इतराफ़ में ना तो कोई करीब कुछ घर हैं, लेकिन इसके लेफ़्ट और इसके राइट पे इसके सराउंडिंग्स में हम कहेंगे कि कोई घर मौजूद नहीं है। इसको हम कोठी कह सकते हैं, एक आसिफ़ज़ादा घर कह सकते हैं, जो अरसे दराज से कोई 10 से 12 साल लोग आते हैं, रिहाइश पज़ीर होते हैं, जैसी नियत करते हैं रहने के लिए मसले शुरू हो जाते हैं। मसले क्या हैं कि गैर मरी मखलूकात, क्या ऐसे मामलात हैं, क्यों लोग छोड़ जाते हैं। हमने जब इसको रैकी की है इस लोकेशन की, तो एक अनजाना खौफ है, एक सन्नाटा यहाँ मौजूद है, कोई ऐसा लगता है कि समवन इज़ वॉचिंग यू, कोई आपको देख रहा है। इसके साथ एक भाई हमें मिले जो बहुत मुश्किल से कैमरे पे पहले नहीं आना चाह रहे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ आपकी बातें हमें चाहिए, इफ़ यू डोंट माइंड, तो उनकी इजाज़त से वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि असल माजरा क्या है। जी आसिफ़, तो नहीं मैं कह सकता जो यहाँ रह रहे हैं उनकी ज़ुबानी से ये बताइएगा कि हम नहीं दिखा सके इस प्राइवेसी जगह खाली है, तो हम इनकी ज़ुबानी लाजमी सुनते हैं। क्या आपको लगता है मामला क्या है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम या हफीज, अच्छा कुछ चेंजिंग लगी है, लेकिन आप अच्छा अगर तो इसकी हालत इसके जो मालिक हैं वो बाहर हैं, हमें बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली, चाबी का रेंज हुआ, बाकी मामला हुआ, अभी आप भी इसके पीछे आगे जाके रहते हैं, तो आप तो जारी बात है बंदा देखता है जो भी इतराफ़ में जो चीज़ें हो रही होती हैं। तो यहाँ पे यही मसला है कि कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई नहीं टिक पाता, कोई वाकई ऐसा मसला है कि आप नाज़रीन हालत देख सकते हैं कि कितनी बुरी है। ठीक है, कट अपने होने का एहसास भी दिलाया जाता है बार बार, आप नाज़रीन हालत देख सकते हैं कि अच्छा ये नाज़रीन इसकी हम अगर अली ये नीचे से आप सारा मामला दिखाएं, जो हालात हैं ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन इसकी अजीब मामला चल रही हुई है। अच्छा ये नाज़रीन इसकी हम अगर अली ये नीचे से आप सारा मामला दिखाएं, तो ये आगे अली आगे की जो हालात हैं ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन इसकी अजीबो गरीब हुई हुई है, और देखते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये आगे अली आगे की जानिब थोड़ा सा दिखाएं क्या मामला है, क्या जो बना हुआ है, ठीक है, और काम भी अभी ज्यादा तमीर है, काम भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ और काम भी कंप्लीट नहीं करने देते, ठीक है, जो काम करने आते उनको भी नुकसान, मामला तो ऐसा ही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है जी, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया आपके बहुत टाइम के लिए, हमें दुआ में यहाँ रखिएगा और इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। नाज़रीन ये आप अली आगे आइएगा जरा, मामला देख सकते हैं इस तरफ से, ठीक है जी, हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया आपके बहुत टाइम के लिए, हमें दुआ में यहाँ रखिएगा और इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। नाज़रीन ये आप अली आगे आइएगा जरा, कि आप देख सकते हैं, जी जी कोई मसला, कोई मसला नहीं, अली इनको रास्ता दें, कुछ आवाज़ आई है, ये देखो ये सामने मकड़ी का जाला बना हुआ है, जी ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जी जी कोई मसला, कोई मसला नहीं, अली इनको रास्ता दें, थोड़ी कम कर रास्ता दें, अल्लाह हू अकबर, ये दिखाओ ये सामने मकड़ी का जाला बना हुआ, अस्तगफुरल्लाह अस्तगफुरल्लाह अस्तगफुरल्लाह, ये जो वो भाई है अली सामने, अली कुछ आवाजें आ रही हैं, लाइट थोड़ी कम करके देखें, अच्छा वो भाई अब चले गए यहाँ से, और जैसे ही मैंने उनको कहा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और बच्चों की आवाज़ें आई हैं ना, तो वो लिटरली जारी बात है खौफ होता है, एक्सपीरियंस नहीं होती चीज़ों का, फिर वो डर गए काफ़ी चीज़ों की। हम अभी अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज़ें आ रही हैं बाकायदा, शायद आप सुन रहे हों, ये देखें, ये एक रूम है, यहाँ से देखते हैं, ये आप देखें ये जो परिंदा है टिटीरी जिसकी आवाज़ आपको आई है,
ये टिटीरी उसी जगह पे पाई जाती है जहाँ पे सुनसानियत हो, वैरानियत हो, और ये वहीं पे अपना डेरा लगाती हैं। बरसात का मौसम, आई थिंक हमें थोड़ा मूव करना चाहिए। बिस्मिल्लाह, देख के देख के देख के देख के। नाज़रीन, अभी इसकी जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ओ माय गॉड। अच्छा, ऐसा एक खौफ लाजमी आ जाता है कि आपकी जो छठी हिस्से ना, वो कह देती है कि ये जगह ठीक नहीं है, और एक ऐसा सन्नाटा नज़र आएगा आपको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या सलामो या हाफिज़ो, या सलामो या हाफिज़ो, ला हौल वला कुव्वता। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ साजो सामान जो है वो यहीं पे मौजूद है, और वे दरवाज़ा बंद हो गया ना कर अली, दोनों खुले थे अभी, ना करो। हाँ, मैंने खुद देखा कैमरे में, मेरे कैप्चर हो गया। आप अली, तुमने नहीं किया बंद? नहीं, मैंने तो, मेरे हाथ में कैमरा, मैं कैसे कर सकता हूँ? आर यू सीरियस? अल्लाह माफ करे। अजन, यहाँ से हम आए हैं, अभी आए हैं यार, ये कुंडी लग गई है। अली, ये देख। हाँ जी। अल्लाह माफ करे, ये ऊपर वाली भी कुंडी लग गई है। हैं जी, ये इसमें बंद। कौन है? ये सर, ला माफ कर। अली देख के यार, अली देख के। ये सर, ला माफ कर। अली देख के यार, अली देख के। This is not good. This is not good. ये ना तो कुंडी मैंने लगाई, ना अली आपने लगाई, उसके बाद दरवाज़ा भी हुआ मेरी समझ से बाहर। अच्छा, ये देख, ये क्या है इसमें? बाहर, हाँ, ये कपड़ा है, ये देख, दिखाओ उसे। अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो बगैर नुकसान पहुंचाए अपने होने का एहसास दिलाएं। आगे आ जाइए। अगर तो यहाँ पे कोई मौजूद है तो अपने होने का एहसास दिलाइए, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अभी हम देखते हैं कि क्या मामला था। ये कुछ आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन हुई थी, लेकिन यहाँ ऊपर भी आप सीलें दिखाएं, ऊपर ये सील्स दिखाएं दीवारों की, और न्यूली कंस्ट्रक्शन मैं इसको कहूँगा, लेकिन प्रॉपर इसको अब रिहाइश नहीं हो सकी। ये आप देखें अली, इधर आओ, ये देखो अभी अंडर इसको मैं, अब ये देख सकते हैं आप, ये हालात हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो लोग, जो भी आता है वो यहाँ से चला जाता है। देखो, हम आपसे मिलने आए हैं, हमें पता है कि आप यहाँ पे किसी को टिकने नहीं देते, रहने की तो दूर की बात, टिकने नहीं देते, एक से दो दिन को यहाँ रह नहीं पाता, ऐसा क्या है और क्यों है? हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या हमसे बात कर सकते हो?
अगर हमें आप सुन पा रहे हो, मैं K2 मीटर ऑन करके देखता हूँ कि रीडिंग्स का क्या यहाँ पे हालात हैं। ये देखा, चीखने की, ये कुछ किचन है, बच्चों की चीखने की आवाज आई है। मैंने K2 मीटर ऑन कर लिया है। एक ये कमरा है, कोई भी है यहाँ पे हमें अंदर आने की इजाजत दी। ओ 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 एक ये रूम इसका है और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह माफ कर, अली निकले, निकले, ओए वो देख, निकले वो देख, साफ कोई नजर आ रहा है कोई बैठा हुआ, निकले यहां से। कौन? निकलो यार, इससे वो तो रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड ये रहा, वो देखा, वो देख, वो बेड पे देख, देखो वो बैठा हो। फार कौन है? निकलो यहां से यार, मैं आपको कह रहा हूं। कौन वो शीशे के सामने नाजिन? कोई यार निकलो यहां से। अस्तग़फ़ार अल्लाह। यार यहां से रास्ता बंद है आगे। अस्तग़फ़ार इधर इधर, वो देख, वो देख, गायब गायब, इधर इधर इधर, देखा गायब गायब, ला माफ करे। इधर बैठी हुई, ये दिखा, ये दिखा, बिस्तरा हिला है, ये दिखा दिखा दिखा, यहाँ पे बैठने की कोई, ये देख, ये देख, ला माफ करे, तू दिखे हैं इतनी क्लियर है, बैठा उधर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैप्चर कर, कैप्चर देखे। मेरी कोशिश थी कि हम ना यहाँ से भागें। मैंने दरवाजा जब खोला है तो मैंने ये नोट किया, मैं कहा यहाँ तो प्रॉपर कमरा बना हुआ है, ये तो साजो सामान यहाँ पड़ा है, ठीक है, हैं? अली देख के देख के देख के, क्या हुआ है, क्या हुआ है, हैं? देख बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, ओहो अल्लाह माफ करे अली, अल्लाफी अली, क्या हुआ है? अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अली अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह पता नहीं, अस्सलाम या फिज़ो, या सलाम या फिज़ो, या सलाम या फिज़ो, अल्लाह अल्लाह की यूं ताक़सीर हो, अस्तग़फ़िर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह माफ करना, अली अस्तग़फ़िर, अली उठो, कुछ नहीं हुआ अली, कुछ भी नहीं हुआ, अस्तग़फ़ार अली, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, गर्मी की वजह से चक्कर आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था, ठीक है अली, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, शाबाश, गर्मी की वजह से चक्कर आया, कोई भी नहीं था, वो औरत थी लेकिन चली गई यहाँ से, वो मखलूक थी, वो चुड़ैल की शक्ल में आई अली, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, रेस्ट कर, बैठ बैठ दो मिनट,
देखो जो भी अल्लाह की मखलूक हो तुम यहाँ पे हमें नजर आई हो, इस्तग़फार, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम रहने बिल्कुल नहीं आए यहाँ पे। नाज़िन अली पे फिर दोबारा अटैक हुआ है और ये आवाज़ फिर आई है खांसने की। अली पे दोबारा अटैक हुआ है और क्या हुआ है अली, क्या देख रहे हैं ऊपर हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अली, कुछ भी नहीं है। क्या कर रहा है ये हैं? अली बात कर सकते हो हमसे? निकल जाओ इसके अंदर से, मैं कहता हूं यहां से निकल जाओ, हम यहां से चले जाएंगे। अल्लाह माफ करे नाज़िन, दिस इज नॉट गुड, ये मामला ठीक नहीं है। अस्तग़फार, कौन हो? अली होश में आओ, इसके अंदर से निकलो, जो भी मख लो। अस्तग़फार, मैं कहता हूँ यहां से निकलो, दिस इज नॉट गुड, अस्तग़फार, अल्लाह माफ करे। अस्तग़फार नज़र, ये बहुत मसला हो गया, ये इसके अंदर चीज आई है और ये अटैक कर रही है और दोनों कैमरे मैंने पकड़े हुए हैं, अल्लाह माफ करे। इस सिचुएशन में बहुत देख सो के उसके अंदर चीज आई हुई है, वो आप देख सकते हैं, और मैं अभी सिर्फ उस चीज़ का लिहाज भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ इस टाइम। अली, अली, अली किधर जा रहे हो? ओह माय गॉड, अस्तग़फार, देखो जो भी मखलूक हो, अल्लाह खैर, जो भी मखलूक इसके अंदर हो इसको छोड़ दो, हम यहां से चले जाएंगे, हम यहाँ से तुम्हें अभी निकालने नहीं आए, जो भी मखलूक हो इसके अंदर से निकल जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अस्तग़फार, अली, या अल्लाह तेरा, अली अली अली, एक सेकंड, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक सेकंड, अली, अल्लाह माफ़ करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत मामला था। ये देखें आवाज़ें आ रही हैं, ये देखें, कौन है? ये देखें, अली ठीक है, हैं ठीक हो? चलो शाबाश, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गए थे, उठो थोड़ी देर बैठो अगर बैठना है। अल्लाह अकबर, या नाज़िन आवाज़ें बकायदा आ रही हैं, अल्लाह अकबर, अस्तग़फार। देखो हमें जानी नुकसान मत पहुंचाओ, जिस तरह तुमने पहले कैमरामैन पे, अली पे, उसके अंदर तुम एंटर हो गए, हमने तुम्हें देख लिया, तुम सामने आए कैमरे के, हमने रिकॉर्ड भी किया, तुम एक औरत की शक्ल में, चुड़ैल की शक्ल में हमारे सामने आई हो, लेकिन नुकसान मत पहुंचाओ, हमें पता है कि तुम्हारा यहां बसेरा है। अली उठ, शाबाश, उठो उठो, ये पकड़ जरा, इजी हो है, आपको पता है आपने मेरे पे अटैक हुआ, आपके अंदर चीज आ गई थी, मखलूक आ गई थी, आप उस चीज को बुला रहे थे,
मुझे समझ नहीं आई। मैं जब से वो देखा ना सर, मेरा सांस बंद होना शुरू हो गया, तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा था मेरा जिस्म भाग नहीं रहा। मैं आपको कह रहा था हफ्स भी काफी था और नाजिन गर्मी भी थी, लेकिन जिस ये आवाजें बकायदा आ रही हैं किसी ना किसी की, अली ज्यादा हमने अब रोकना नहीं है, लेकिन इस तरफ आओ, ठीक हो ना? हैं? देखो हम यहां से थोड़ी देर में जा रहे हैं, नुकसान मत पहुंचाना, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, हैं? ठीक हो? इस जानब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है अली, उस कमरे में अभी नहीं जाते, है ना? उधर है, लेकिन अभी आई थिंक वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। अभी आप ना जाओ, मैं मेरे ख्याल से टॉर्च मेरी उधर ही रह गई है, आप ना आना। अल्लाह माफ़ करे। नाज़िन इस शीशे पे वो खातून देख रही थी अपने आप को इधर बैठ के, और उसके बाद से अली पे ये मामला हुए हैं, मेरे भी कंधे भारी होने लगे हैं। अली दिखाओ दिखाओ, पूरे खुल गए। दिखाओ दिखाओ, पूरे खुल गए। अल्लाह माफ करे। हम जा रहे हैं यहां से, जा रहे हैं, मत डराओ हमें। ये देखें कितना और उसके अग्रेशन है उस चीज में। पूरे खुल गए, हम यहां से जा रहे हैं, और तुम्हारा यह बसेरा ज्यादा दिन का नहीं है, ये मैं तुम्हें कह के जाऊंगा। मुझे ना यकीन करें, मैं तुम्हारे साथ जो हुआ ना, मुझे गुस्सा चढ़ गया अली। वो देख फिर कुछ हुआ। अली इधर आओ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये उन्होंने बताया था कि ऊपर जाने का जो रास्ता है ना वो बंद किया हुआ है, और अली आप बिल्कुल अपना ख्याल रखना, ठीक है? देख के हैं, आराम से ज़रा स्टेप्स वगैरह, ठीक है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने आगे अपना बेड वगैरह के लिए सामान था वो करना था, तो ये उसी का सामान यहाँ पड़ा। अली ये थोड़ा सा ऊपर दिखा दो बस आगे। अजीब सी यहाँ पे गर्मी नहीं ऊपर, है ना? स्मेल भी है ऊपर, बंद किया हुआ इन्होंने टोटली, आगे से भी और ये वाली जगह भी, ऊपर का भी रास्ता नहीं है। तो ऐसे मामला आते हैं। अब अली सिर्फ चलते हैं। इस्लाम हो या फीस हो या इस्लाम हो, अस्तग़फ़ार। ये वो कमरा था। अली इस तरफ आओ, मुझे बार बार यहाँ कोई चीज़ जैसे, तुम्हें काम कर। अली इधर आओ, आपने अंदर नहीं आना, आपने बाहर से मुझे दिखाना है, ठीक है? आवाज़ मेरी ठीक है? ओके, इधर से रिकॉर्ड करो, अंदर ना आना। ये आप देख सकते हैं जानवर वगैरह भौंक रहे हैं, और ये वो जगह थी। अली अंदर नहीं आना, हाँ अंदर मेरा भाई नहीं आना। नाज़िन ये वो जगह है, और यहाँ मैं बैठ चुका हूँ। इस कमरे में एक ऐसा हब्स भी है, गर्माहट है, और अच्छा यहाँ पे हमने रिकॉर्ड की कि खातून, आप एडिट पे देखिएगा कि खातून जिसके बाल बड़े हैं,
चुड़ैल थी वो, जो इंसानी शक्ल में, हमने शक्ल तो नहीं नजर आई, काली स्याह उसके बाल थे, वो यहाँ बैठी है, हम पैनिक हुए, ऑब्वियस बात है, एक अनजान जगह है, वहाँ पे एक खातून एकदम नजर आना फ्रॉम नो वेयर पॉसिबल ही नहीं है, तो वो नजर आई हमें, और फिर एंड पे क्या हुआ, उसने हमारी तरफ देखा, वो एडिट पे भी देखिएगा जब हम भागे हैं, उसके बाद इधर दोबारा आए हैं तो अली के अंदर वो चीज़, वो मखलूक जो थी वो अली के अंदर आ गई, मेरे पास मेरी ज़ुबान काम ना करे कि मैं कोई आयतें पढ़ सकूं, कोई ऐसी बात कर सकूं, मुझे समझ नहीं आई कि, अब सारी बात है दो बंदे हैं हम लोग, तो दो बंदों में इट्स टू डिफिकल्ट, क्या मेरे होते हुए इस बेड पे, इस बिस्तर पे कोई आ सकता है? क्या मेरे यहाँ बैठने में कोई, इस बिस्तर में मेरे करीब आ सकता है? वी, वी, अली, वो तेरी अली ये भेला निकलो इधर इधर शिट इधर 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 अस्तगफार माफ देख के देख अली देख के अस्तगफुरल्लाह माय अल्लाह अल्लाह अकबर वो तेरी खैर उफ दिस इज अनबिलीवेबल अली वो बेड पे कोई चीज आई थी यार वो बिस्तर हिला है पूरा वो बिस्तर हिले आज के जो एपिसोड थी उसके बारे में मेरे ख्याल से आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं हमारे पास तो अल्फाज नहीं बचे उसकी रीज़न ये है कि कोई ऐसी जगह जब खाली होती है इतने सालों से तो वहाँ डेफिनेटली कोई मसाइल होते हैं तो ये मामला होते हैं वरना किसी को शौक नहीं होता कि एक प्रॉपर वहाँ पे रिहाइश करे उसके बाद किराया भी दे बाकी मामला भी करे उसके बाद से अचानक उसको एक एमरजेंसी तौर पे जाना पड़े छोड़ के तो वो एक आसान काम नहीं होता आजकल रिहाइश मिलना ही एक नेमत होती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक जहाँ पे हमने आज इन्वेस्टिगेशन की है वो इंतहाई एक्सट्रीमली सेफज़दा है एक होता है नॉर्मल एक होता है एक्सट्रीम हम गए हैं वो खातून की शक्ल में जो चुड़ैल आई है जो बिस्तर के ऊपर बेड के ऊपर बैठी हुई थी लंबे बाल आप एडिट पे वो देखें उसके बाद उसने हमारी जानिब देखा तो हम लोग फिर मजबूरन भागे थोड़ी देर के लिए लेकिन उसी जगह पे हम रहे हमारा जो कैमरा मैन है अली उसके साथ आप लोग हमेशा कहते हैं कि वो डर जाता है या कुछ चीज़ उस पर आ जाती है तो वो देखें शो का हिस्सा है उसने हमें दिखाना है हम दो अफराद होते हैं रिकॉर्डिंग पे और उसने अब जारी बात है वो हमें रिकॉर्ड कर रहा था वो चीज़ उसके अंदर आई और उसने उल्टा मेरे पे भी अटैक किया मैंने उस टाइम जो जिस तरह हालत संभाली क्योंकि मैं और वो थे सिर्फ उसके अंदर वो मखलूक आ गई मेरी ना ज़ुबान काम करे मैं कैमरा संभालूँ क्या संभालूँ वो भी सिचुएशन आपने देखी और शुरू से कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं कोई कुछ आ रहा है वो चलता रहा है काम उसके बाद चीज़ें आपके सामने थी अच्छा एंड पे क्या होता है मैं अली को फिर उस कमरे में नहीं जाने दिया मैं उसी बिस्तर पे बैठता हूँ उसके सामने बिल्कुल मिरर है आप एडिट पे देखिएगा जिस एरिया में जाके मैं बैठता हूँ उसके सामने एक शीशा लगा हुआ है
वो खातून उसके सामने बैठी हुई थी, ठीक है। अच्छा, मैं जब उस बिस्तर पे जाके बैठा हूँ उस कमरे में, गर्मी एक बहुत है, इतना हब्स। अच्छा, मैंने क्या देखा, मैंने उसको कहा कि क्या अगर यहाँ पे कोई मौजूद है तो मेरे पास आके बिस्तर पे बैठे, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ये आप एडिट में देखें, नाइट विजन कैमरा पे अली बाहर है, मैं अकेला उस कमरे में हूँ, वो बिस्तर का जो बकायदा बेड शीट है वो हिल रही है, उस पर जैसे आके कोई बैठा है या उसको कोई खींच रहा है। अच्छा, वो हुआ, मैं वहाँ से भागा, फिर मैंने नाइट विजन वहाँ पे देखा, वो बिस्तरा प्रॉपर हिला है, आप एडिट पे देखिएगा नाइट विजन पे, जब हम निकल गए हैं फिर भी। अच्छा, जब बिस्तरा हिल रहा है तो एक गद्दी जो है वहाँ का कुशन जो है वो मेरे पे आके, मेरे कैमरे पे आके लगता है, जैसे वो मखलूक ने हमें मजबूरन कहा कि आप जाएँ यहाँ से। तो वो उस कमरा उसका मस्कन है, अब वो एक प्रॉपर कमरा बना हुआ था, वहाँ से अभी वो जो भी यहाँ के करंटली लोग थे वो रहायश पजीर हैं, उन्होंने कंप्लेंट हमें की, इनके ऑनर यहाँ पे नहीं मौजूद होते, ये किराए पे दिया था उन्होंने। तो ये सारे मामले थे। तो जब तक यहाँ रूहानी टीम या हमारे साथ जो रूहानी स्कॉलर्स होते हैं, आमिर कादरी साहब या पीर दाऊद साहब, हम उनको डेफिनेटली मालिक को उनसे राबता करवाएंगे कि ये मसला है और इसको आई थिंक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, महंगी प्रॉपर्टी है। तो लेकिन बहुत मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल सीन्स से हमारे लिए, इन्वेस्टिगेशन हम करते रहते हैं, मैं तो अभी भी परेशान हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या है। और इस रात के पहर काफ़ी बड़ी जगह है, सन्नाटा भी है, ये आपके सामने था। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके लिए भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो असेब ज़्यादा हो सकती है, या ऐसा कोई पेशेंट आपके पास है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ़ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।